माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। और भाई आज की जो वीडियो है M500 न्यू हेडशॉट ट्रिक, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं ऐसा ट्रिक्स बताया ना, तो भाई ये वीडियो तुम पूरा देखोगे ना, ये वीडियो देखने के बाद ही ऐसे हैकर की तरह हेडशॉट तुम दे पाओगे बंदे को। और भाई ये चैनल में बहुत ही जल्द ऐसा ओपी लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगा। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आपका छोटा भाई का चैनल को, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई आज की जो वीडियो है M500 न्यू हेडशॉट ट्रिक, तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई फर्स्ट जो पॉइंट है सेंसिटिविटी सेटिंग। तो भाई सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर दो चीज आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट है जनरल। तो भाई ये जो जनरल है ना, आपके पास 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB रैम की डिवाइस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो जनरल है, जनरल को 85 तक ही रखो, ठीक है, इससे ज्यादा मत करो। और भाई सेकंड है रेड डॉट। तो भाई ये जो रेड डॉट है, तो भाई रेड डॉट को तुम कर दो 80 तक, ठीक है। तो भाई 80 से ज्यादा मत करो, 80 से ज्यादा करोगे ना M500 गन से तुम कोई भी बंदे को फायर करोगे ना, तो भाई गन में बहुत ही रिकॉइल करेगा। और भाई यू बी 28 अपडेट के बाद आप लोग कौन सा गलती कर रहे हो, इसकी वजह से बंदे को तुम हेडशॉट नहीं लगा पा रहे हो। तो भाई पहले हम लोग क्या करते थे, ये जो क्रॉस एयर है ना, तो भाई क्रॉस एयर को व्हाइट रखने के बाद ही हम लोग ड्रैग करते थे, नहीं तो एनिमी के बॉडी के साइड पे ये जो क्रॉस एयर है, तो भाई क्रॉस एयर जब रेड हो जाता था तब हम लोग ड्रैग करते थे और बहुत ही ओपी लेवल की हेडशॉट लगता था। पर भाई ये अपडेट के बाद ना ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। एक नया ट्रिक मैं तुमको दिखाऊंगा, ये ट्रिक बस तुम फॉलो करो। तो भाई अगर आपके सामने कोई भी बंदा है, तो भाई फायर कैसे करना है आपको, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रॉस एयर है ना, तो भाई क्रॉस एयर को एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई रखने के बाद ही आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है और ऐसा ओपी लेवल की हेडशॉट तुम बंदे को दे पाओगे। तो भाई मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ये वीडियो क्लिप तुम अच्छे से फॉलो करना। तो भाई ये वाला क्लिप है, तुम देखो मेरे सामने एक एनिमी आ रहा है, ठीक है, और मेरा एम किधर है, तो भाई देखो मेरा एम है चेस्ट के ऊपर, ठीक है। और भाई मैंने क्या किया, तो भाई देखो मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया, ठीक है, और ओपी लेवल की हेडशॉट लग गया बंदे को। तो भाई मैं बोलूंगा आपका जो क्रॉस एयर है ना, तो भाई क्रॉस एयर को एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखो और रखने के बाद ही थोड़ा सा ड्रैग करो, बहुत ही ओपी लेवल की हेडशॉट तुम बंदे को दे पाओगे। और भाई UB28 अपडेट के बाद ये ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो भाई तुम एक बार ट्राई करो और उसके बाद ही मेरे को कमेंट पर बताओ क्या भाई वर्क कर रहा है क्या नहीं। और भाई उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है फायर बटन साइज। तो भाई ये जो फायर बटन है ना, तो भाई मैं बोलूंगा 40 से 50 के बीच में रखो, ठीक है, और मेरा फायर बटन का साइज तुम देख सकते हो इधर 46 है। तो भाई मेरा जो फायर बटन साइज है, तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो भाई सबसे बेस्ट होगा तुम्हारा उंगली और थंब की हिसाब से करो, ठीक है, उंगली और थंब की हिसाब से फायर बटन साइज करो, सबसे बेस्ट होगा। तो भाई मैंने तो ट्रिक बताया और ये ट्रिक 100% वर्क करेगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है, तो भाई प्रैक्टिस करो, बहुत ही ओपी लेवल की हेडशॉट दे पाओगे M500 गन से, ठीक है। तो भाई आज की जो वीडियो है सबको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, और जो भैया मेरे चैनल पे नए हो ना प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।